साल 2017 में एक फिल्म आई थी न्यूटन। फिल्म का एक डायलॉग था, जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा। दरअसल ये फिल्म नक्सल प्रभावित इलाके में सालों बाद चुनाव करवाने को लेकर बनाई गई। फिल्म न्यूटन में राजकुमार राव को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के एक ऐसे दुर्गम इलाके में उन्हें चुनाव करवाना था, जहां पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था। यहां सिर्फ 76 मतदाता थे। सुरक्षा बलों के अजीब से रवैये और नक्सलियों के डर के बीच वो चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराना कितना मुश्किल होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म के बाद नक्सल प्रभावित इलाके में रील और रियल वोटिंग में क्या फर्क आया है। आज इस फिल्म को 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज की बात करें तो आज रील में नहीं बल्कि रियल में यहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं। अब यही गांव पहले से काफी बेहतर हो चुका है। गांव में 1 साल पहले नल का कनेक्शन आ चुका है। 4-5 साल पहले स्कूल और अस्पताल भी बन चुके हैं। इसी फिल्म का एक डायलॉग है, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, बरसों लग जाते हैं जंगल बनने में। सच में इस गांव में बदलाव तो आए हैं, बदलाव आने में वक्त जरूर लगे, लेकिन बदलाव आए। बस्तर संभाग का अबूझमाड़ गांव में आज 2024 के लोकसभा चुनाव पहले चरण में मतदान हुआ। पूरे अबूझमाड़ क्षेत्र में फैले 236 गांव के साथ चुनाव अधिकारियों ने 34,950 की आबादी में रहने वाले 25,538 मतदाताओं के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए हैं। फिल्म का डायलॉग सटीक है, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, बरसों लग जाते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। इसलिए वोटिंग आपका राइट है, जरूर इसका इस्तेमाल करें। शुक्रिया।